हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ गीता और गीता सिंह रेसिपी चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा है कि आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर ना करके कुछ बातें करूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने रेसिपीज़ तो मेरी आती रहती हैं पर बातों करने का आजकल टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं लाइव ही नहीं आ पाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने आई हूँ अपनी इस वीडियो के द्वारा। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो और मेरे कुछ रखे हुए पॉइंट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और जो न्यू मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल के आइकॉन को दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलता रहे। और दूसरी बात ये है कि इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं मेरे से, कि मैं किस तरह की वीडियोज़ लाऊँ, या फिर आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज चैनल पसंद नहीं है, या फिर कुछ और बातें हैं कि मेरे को पता होना चाहिए। जैसे कि एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, वैसे ही हम व्यूवर्स और हम YT पर काम करने वालों का रिश्ता होता है। कहीं इस रिश्ते को भाई बहन का नाम दिया जाता है, तो कहीं माँ बेटे का नाम दिया जाता है, तो कहीं दोस्ती का नाम दिया जाता है। तो इन्हीं बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से कुछ बात करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे बताना कि मैं इसमें कहाँ गलत हूँ। तो मेरे तो पहली बात यह है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप लोग, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स, मेरे इतने सारे चाहने वाले, इतने सारे व्यूवर्स हों, लेकिन उसके बाद भी मेरी वीडियोज़ पर एंट्री नहीं दिखती। या तो मेरी रेसिपीज़ पसंद नहीं है, या मेरे बोलने का स्टाइल पसंद नहीं है, या फिर मेरी सूरत ही पसंद नहीं है। जो भी है आप लोगों के दिल में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं इनमें से कहाँ चेंजिंग लाऊं। और एक बात, मैंने देखा है कि मैंने हर तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे ही एक ऐसा चैनल होगा जहाँ हर तरह की खिचड़ी आपको नज़र आएगी। मैंने इतने सारी समर रेसिपीज़ डाली हुई हैं। आज के डेट में मेरे चैनल पे अबव 600 वीडियो हैं, लेकिन वीडियो डालने के बाद जब भी देखती हूँ तो क्या नज़र आता है, गिन चुन कर बड़ी ही मुश्किल से 20-50 या ज़्यादा से ज़्यादा 300 व्यूज़। जबकि इतने व्यू तो मैं दूसरों के चैनल्स पे भी जाती हूँ, लोगों से भी बात करती हूँ, पर गाइस प्रॉब्लम है किधर। इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैं अब आगे आप लोगों के साथ रेसिपीज़ ही शेयर करूं, या ब्लॉग बनाना शेयर करूं, या फिर मुझे आप बताएं कि रेसिपी में भी किस तरह की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं तो वेदर के हिसाब से और ट्रेंडिंग के हिसाब से लाकर समझ गई कि जो चल रहा है वो YT की मर्ज़ी है। लेकिन YT के सिवा भी तो हम लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो गाइस, प्लीज़ इस छोटी सी रिक्वेस्ट में ध्यान से बताना और सुनना भी कि मैं गलत हूँ जो आप लोगों से इतनी सी डिमांड कर रही हूँ, इतनी सी बात पूछ रही हूँ, क्या करूँ मैं। क्योंकि मैंने तो वीडियो में कुछ सोच कर भी नहीं बनाया, कुछ ऐसा भी नहीं सोचा कि इस पर मेरी ये गलती होगी। मैं वीडियो अपलोड करने से पहले देखती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं समझ आता, बट हाँ, कई वीडियोस होती हैं जिन पे मैं ढंग से वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि घर का काम भी होता है। एक वीडियोस बनाने में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो हमें 6-7 घंटे लग जाते हैं, और उन 6-7 घंटे के बाद भी रिज़ल्ट 0। क्या आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल को मोनेटाइज में काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन गाइज उसके बाद भी मैं सक्सेस क्यों नहीं पा रही। तो वही सब जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, साथ है तो सब कुछ है, और साथ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो गाइज प्लीज़, एवरीवन, ऑल YT फैमिली से रिक्वेस्ट है कि मेरी इस छोटी सी बात पर फोकस करें, अपना ध्यान दें, और
मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि डेली डेली वीडियोस डाल भी चुकी हूं मैं। मैंने पूरे नवरात्रों में बहुत कोशिश की, मुझे लगा आई थिंक इसमें तो शायद कुछ अच्छा नज़र आएगा, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे वहाँ भी नहीं दिखा। वही क्या ये वाइटी का लेन देन ही है क्या कि मैं उसकी वीडियो पे जाऊँ तो वो आए और ना जा पाऊँ तो वो ना आए? यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर के साथ साथ मेरी और भी जिम्मेदारियाँ हैं, उनमें से भी मैं टाइम निकाल कर ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों का साथ मांग रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह हो, जहाँ मुझे अपनापन नज़र आता है। आप लोग मुझे अपने भाई बहन दोस्त बड़े सब नज़र आते हो। क्या उसके बदले में आप उसे इतना नहीं मांग सकती कि आप लोग मेरा थोड़ा साथ दो? मैं भी कोशिश करूँगी जो मैं अब तक नहीं कर पाई हूँ पूरा करने की, साथ पूरा पूरा दूँ। जहाँ आपको मेरी ज़रूरत हो मैं भी आगे बढ़ूँ। तो मेरी इस उम्मीद पे प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल पर और मैं आगे लिख के जाना चाहती हूँ। मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ और इस पहचान में मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ। जिस तरह से एक औरत बिना घर के अधूरी है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, सेम उसी तरह वाईटी पर हूँ तो वाईटी के साथ के बिना मेरी भी कोई पहचान नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे मेरे घर वालों ने प्यार दिया, घर वालों में मेरी इज्जत है, फ्रेंड सर्कल में मेरी इज्जत है, दोस्ती यारी है, सबको मैं पूछती हूँ, वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उनको करती हूँ, तो आप लोगों के साथ मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता हमेशा बना रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर से अच्छे से स्वीट से बच्चों और दोस्तों, भाई चाचा ताऊ जो भी हो, जो भी रिश्ता आप लोगों को मेरे साथ रखने में अच्छा लगता हो, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मुझे समझाएं कि मैं क्या करूं, किस तरह से मैं अपने चैनल को ग्रो करूं और क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें ऐड करूं कि जिससे आप लोगों को भी इंटरेस्ट आए और मुझे भी वीडियोस बनाने का और ज़्यादा मन करे। क्योंकि मोटिवेशन के लिए एक लाइक मिलना बहुत ज़रूरी होता है और व्यूज़ का दिखना तो उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ आपका मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो दिल खुश हो जाता है, लेकिन जहाँ और व्यूज़ देखती हूँ तो मन में और तमन्ना आ जाती है, क्यों ना मैं अच्छी सी और वीडियोज़ लाऊँ, अपने वाईटी फैमिली के साथ मिलूँ, हंसूँ, बोलूँ, उनके साथ शेयर करूँ कुछ नई नई बातें, कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स। तो मुझे लगता है आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा बहुत बोर कर दिया है। तो गाइज मेरे स्वीट व्यूवर्स, अगर मैंने आप लोगों को बोर किया हो तो उस बात के लिए तहे दिल से सॉरी, पर फिर भी प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन। मुझे आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरत है, आज भी कल भी और कल भी थी और आगे भी हमेशा रहेगी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में माय फेवरेट डायलॉग। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय गीता सिंह रेसिपीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।